ये लगा। आज काले चने और आलू की सब्जी बना रही हूँ। एक सब्सक्राइबर भी कह रहा था कच्चा मेरा है वैसे। हेलो गाइस, वेलकम टू आवर न्यू ब्लॉग। तो गाइस कैसे हो आप सब लोग, उम्मीद हो आप सब बेहतर होंगे और आगे भी बेहतर रहोगे। तो आज हमें लगवानी है वैक्सीन की दूसरी डोज, तो इसलिए मम्मी और मुझे जाना है अभी बाहर, और जहाँ पे वैक्सीन की जो हमें दूसरी डोज लगेगी वो कम से कम 9-10 किलोमीटर दूर है। तो इसलिए मम्मी ने अभी सीधा खाना बना दिया है। मम्मी और मैं चले जाएंगे तो फिर उनसे साक्षी को फिर खाना बनाने में दिक्कत होगी, दिक्कत ना हो इसलिए मम्मी ने पहले ही खाना बना लिया है। तो अभी सब खाना खा रहे, खाना ही खा रहे, नाश्ता तो नहीं कर पाएंगे क्योंकि हमें जाना है और इन्हें भूख ना लगे जल्दी, इसलिए हम सीधा खाना खा रहे हैं। तो अभी खाने में है आलू की सब्जी है और रोटी है, और अंशु चावल खाना चाहते थे इसलिए अंशु ने फ्रिज से चावल निकाल के खा दिए। कल रात के चावल है वैसे ये। हाँ तो रात में अगर कुछ बच जाएगा तो उसे फेंक दो सुबह क्या? नहीं नहीं और भाई सब खा के उठ चुके हैं, पर लेकिन भी अभी तक बैठी हुई है, अभी बहुत धीरे धीरे खाती है। देखो इसकी सब्जी कैसे खाई हुई है इसने, इसका चेहरा देखो भाई, चेहरा ये देखो। नहीं ना बच्ची साहब, मैं करने मम्मा ये योगा करते करते खा रही है। खाओ साथी, ये देखो एक अलग से आलू रखा हुआ है इसने अपनी प्लेट में और इसने खा लिया है। ये देखिए इसकी प्लेट कितनी गंदी है। तुम कैसे खाते हो? तो हम लोग रेडी हो चुके हैं वैक्सीन की दूसरी डोज लगवाने के लिए। इस हाथ पे लगेगी फिर से। अरे यार पिछली बार तो बुखार आ रहा था, देखते हैं इस बार क्या होता है। और रहा मौका वैक्सीन लगा के सीधा हम राशन वासन लेने चले जाएंगे मॉल में। अभी अंशु गई है जूते लेने, वो जूते लेके आ गई होगी। अभी सुखाने के लिए रखा था ना जस्ट। सूखे बाबू जूते? हाँ, पवन बना बकरा कुछ नहीं हो रहा, देखो मत ना, पता भी नहीं चला, मैं सोचा मैडम ने अभी लगाया, देखो नहीं देख, ये लगा और बस हो गया। तो अभी हम वैक्सीन लगा के मस्त यार यहाँ पे आए हुए हैं चाउमीन कॉर्नर पे, फास्ट फूड कॉर्नर पे। तो अभी मस्त चाउमीन खाएंगे क्योंकि भूख लग रही है बहुत तेज। अंशु साक्षी के लिए केले ले लिए, अब बस बन के आ जाएगी चाउमीन थोड़ी देर में। चाउमीन आधी ख़त्म हो चुकी है और मम्मी भी आराम से खा रही है। कैसी लग रही है? अच्छी लग रही है। तो अभी जस्ट सो के उठा हूँ। अपडेट यह है कि जब वैक्सीन की दूसरी डोज लगी है वो अब असर करना शुरू कर गई है। हाथ में बहुत तगड़ा दर्द हो रहा है और हल्की हल्की कमजोरी सी लग रही है, लगता है अब कल नहीं उठ पाएंगे। मम्मी का भी यही सब हो रहा है, मम्मी से अभी बाद में पूछेंगे क्योंकि अभी अपनी कोडिंग कर लेते हैं पहले। हाँ तो मम्मी आज आप क्या बना रही हो? आज काले चने और आलू की सब्जी बना रही हूँ। एक सब्सक्राइबर भी कह रहा था, कह रही थी, जन कह रहा था, क्या लड़की है कि लड़का? लड़की है। हाँ और तेरी पसंद तो है ही, मैं बता देती हूँ कैसे बनता है, बहुत टेस्टी लगते हैं। तो आज काले चने और आलू बन रहे हैं, मसाला उधर रेडी हो रहा है। इसमें क्या है, हींग डलता है कि लहसुन डलती है, हरी मिर्च भी डलती है, ये लोग खाते नहीं, मुझे अलग से खाने पड़ते हैं, तभी वो वहाँ मिर्च वाली पहाड़ बनती है। यहाँ पे ये मसाले कौन से हैं? मसाले हैं जो सब्जी में पड़ते ना, वही मसाले हैं। बाकी पवन खट्टा खाता नहीं, इसमें इमली का रस या अमचूर पड़ता है, पवन खाता नहीं, डालती नहीं। वैक्सीन दूसरी डोज पूरी हो गई हमारे दोनों माँ बेटे की। बुखार वुखार तो नहीं आया अभी तक, पहली बार को 24 घंटा बुखार आया था, लेकिन हालत तो धीरे धीरे खराब हो रही है। नहीं इतनी नहीं हो रही यार, फिर हम पैदल भी काफी चले थे ना, उससे भी हो सकता है। पैदल हम 1-2 किलोमीटर से ऊपर चले, क्यों? क्योंकि ताले की वो चाबी वाला लफड़ा है वो बड़ा नहीं थी, तो ऑटो में तो मिलता नहीं, तो पैदल पैदल ढूंढना पड़ा, मिली गई, बन गई हमारी चाबी भी। और
बुखार तो नहीं आया पर हाँ यहाँ पे दर्द हो रहा है। मेरे भी लगा है, मम्मी का ना सुई घोंपने में पूरा मतलब एक बूंद खून की निकल गई थी। कोई अब मम्मी आपने आलू डाल दिए इस पे, कच्चे आलू है, कच्चे आलू ही पड़ती ना सब्जी है। अच्छा उबले हुए नहीं डाल सकते? नहीं फिर ये चने भी कच्चे ही है ना, मैं तो कच्चे चनों की सब्जी बनाती हूँ। अच्छा वो उबले हुए मतलब जब आप प्रेशर पे उबालते हो तब? उबले हुए अलग बनते हैं, ये अलग बनती है। अच्छा। इसका मजा अलग है, उबाल के बना के मजा अलग है। अच्छा कभी बना कोई भी ट्राई कर ले, इनकी ऐसी सब्जी बहुत अच्छी बनती है। साक्षी बोले उसे कोई पूछ ही नहीं रहा। साक्षी इसलिए रोटी बना रही है गुस्से में। अच्छा पहले से तुम्हें बुखार हो गया इसलिए, नहीं तो मैं चावल बनाती। और यहाँ पे सीधा अब चने डाल दिए, ये कच्चे हैं भिगोए हुए। अच्छा भिगोए हुए सीधा। आप देख सकते हो अभी कुछ ऐसा हो गया, इसको ऊपर से मम्मी पानी डालोगे ना हल्का तो डालना पड़ेगा और फिर बनती है तगड़ी वाली। अब बना के दिखाते हैं। हाय कैसे हो? ऐसा नहीं बोलता नहीं आती भाषा। ठीक बा ये देख ये कच्चा मेरा है वैसे। तेरा नहीं है ये, मम्मी का है। अरे मम्मी का कब से हो गया? मम्मी कब पहनने लगी घर में? चाची जी का करता भैया को मम्मी का इसलिए कि मम्मी खरीद के लाई। अच्छा तू अपने पैसों से लाया? और हमारे आलू काले चने की सब्जी रेडी हो चुकी है, ऐसा मस्त दिख रहा है अब बनाने के बाद। और अब हम डिनर कर रहे हैं सीधा। साक्षी नहीं खा रही, बोल रही है पेट भरा हुआ है या फिर एक बहाना हो सकता है। फिर भी कोई क्वेरी होती है ना तो आप सवाल जवाब कर सकते हो आप कमेंट सेक्शन में, तो हम रिप्लाई दे देंगे उसका अगले दिन जब पॉसिबल होगा, है ना। आई होप गाइस यार वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो आपको पसंद आया तो यार वीडियो को लाइक करके यार चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को दबा देना। मिलते हैं आने वाले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।